गुजरात के शहर सूरत में सईद जमालुद्दीन नक्शबंदी ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार तमाम मजाहिब के दरमियान भाईचारे को फरोग देता है। इसे दरबारे शहनशाह सूरत भी कहा जाता है, जबकि मकामी लोगों का अकीदा है कि फैज़े दरिया है। सबसे कदीम दरगाहों में से ये एक है। इस दरगाह पर मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। ये हाजिरी बिला मजहब व मिल्लत होती है और तमाम मजाहिब के लोग इस दरगाह पर अपने हाजात की रवायों की खातिर अल्लाह ताला के हुजूर सर्ब सजूद होते हैं और उम्मीद के साथ हाथ दुआ के लिए उठाते हैं। ख्वाजा साहब जो शहंशाह सूरत कहे जाते हैं, ये फैज़े दरिया है, बहुत बड़ी दरगाह है, सबसे बड़ी सूरत में और सबसे पुरानी दरगाहों में एक दरगाह है। नक्शबंदी सिलसिले से हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह, और ये दरगाह लगभग 435 साल से लगभग इनका उरूस लगभग करीबन हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दरगाह पे जो भी हम लोग मन्नत मानते हैं, हमारा जो भी अकीदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सबका पूरा होता है। भरपूर अकदार और मुख्तलिफ अकायद से जुड़ा हिंदुस्तान अपने मतनु मजाहिब और मुनफरिद रवायात के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और एक अलग मकाम भी रखता है। सदियों से हिंदुस्तान में सूफी संत मतनु मजहबी बिरादरियों में अमन और हम आहंगी का पैगाम फैला रहे हैं। इनके पैरोकारों ने वफादारी के साथ इनके पैगाम को जज्ब किया है और कौम के इस सेक्युलर ताने बाने को बरकरार रखने की कोशिश की है। सैयद जमालुद्दीन नक्शबंदी ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी हम आहंगी के पैगाम को सदियों से आम कर रही है। यहाँ पे सभी मन्नतें पूरी होती है। यहाँ पे ये दरगाह का नाम है ख्वाजा दाना की दरगाह। और मेरी लड़की है जो मेरे साथ में आई है, वो पहले बहुत बीमार हो गई थी और सभी डॉक्टर ने भी बोल दिया था और कहीं रिपोर्ट भी करवाए, लेकिन उसको अच्छा नहीं हो रहा था। फिर एक ये मुस्लिम भाई है, उसने मुझे बताया कि इसको एक बार ख्वाजा दाना की दरगाह पे लेके जाओ तो उसको अच्छा हो जाएगा। तो उसको मन्नत यहाँ पे मैंने घर पे ली थी तो उसको अच्छा हो गया और सब इसकी मन्नत पूरी करने के लिए मतलब अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बहुत अच्छा है, सभी काम हो जाते हैं। जो आए तुम्हारी बाज़्म में, जो आए तुम्हारी बाज़्म में दीवाना हो जाए। अकीदा दरअसल लफ्ज अक़्द से माखूज़ है, जिसके मानी है किसी चीज को बांधना। जैसे कहा जाता है, मैं ऐसा एतकाद रखता हूँ, यानी मैंने इस अकीदे को अपने दिल और जमीर से बांध लिया है। लिहाजा अकीदा उस अकीदे को कहा जाता है जो इंसान अपने दिल में किसी चीज के बारे में रखता है। कहा जाता है कि अकीदा दर हकीकत दिल के यकीन करने के अमल का नाम है, और वो है दिल का किसी बात पर ईमान रखना और उसकी तस्दीक करना। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के शहर सूरत में वाका हजरत ख्वाजा सईद जमालुद्दीन दाना नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह इसी अकीदे का मरकज है। इस मरकज पर बिला मजहब मिल्लत अकीदतमंद अपनी मन की मुरादें लेकर हाजिरी देते हैं। ख्वाजा दाना की दरगाह है और यहाँ पे हर मन्नत पूरी होती है। कुछ भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, कोई भी चीज मांगो, सिद्दत से मांगने से हर एक चीज पूरी होती है। और कोई भी गिराने से कोई भी आया हो, कोई भी फैमिली से आया हो, तो उनकी हर एक मन्नतें पूरी होती है।
नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, कोई भी हिसाब का भेदभाव इधर नहीं है यहाँ पे, और हर एक कैटेगरी से हर एक कास्ट के लोग यहाँ पे आते हैं और उनको भी स्वीकारा जाता है इधर, ऐसा कोई है नहीं। शर्म सार नदिम ब आसई मोहम्मद गुनाह गार खदिम ब आसई मोहम्मद। इस दरगाह पर हाजिरी देने वालों में ऐसे भी अकीदतमंद देखने को मिलते हैं जिनका मानना है कि वो मुहल्लिक मर्ज कैंसर में मुब्तला थे, लेकिन यहाँ चादर चढ़ाने से वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हुए। इस दरगाह पर हाजिरी देने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर मजाहिब के लोग भी शामिल हैं। इनका अकीदा है कि यहाँ आने वालों के हाजात पूरे हो जाते हैं। अकीदत मंदों में लंगर भी तकसीम किया जाता है। ये दरगाह काफी कदीम है और रवायती तौर तरीकों से हर साल सैयद जमालुद्दीन नक्शबंदी ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। रवा बरस भी इस सूफी बुजुर्ग का उर्स मनाया गया जिसमें अकीदत मंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दरगाह के मुंतजमीन का कहना है कि ये दरगाह रूहानियत से भरी पड़ी है। यहाँ बे औलादों को औलाद की नेमत नसीब होती है और मरीज शिफायाब होते हैं। मन्नत तो क्या है, किसी ने मन्नत ली है कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है तो सरकार ने वो फैज हासिल रखा है कि आपके कदम मुबारक के बाद में एक पत्थर है, वो पत्थर के ऊपर बच्चा अपनी जीभ से शक्कर चाटेगा तो उसके अंदर बच्चा बोलता हो जाएगा और लोग श्रद्धा और मन्नतों से मुरादों से यहाँ आते हैं तो ख्वाजा साहब सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। पढ़ पढ़े हजार किताबां अपनाया अपन पढ़िया जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद मन अपने चैना बढ़िया। सूफिया का पैगाम यही है कि अपने अपने मजहब पर अमल पैरा रहते हुए दूसरों के मजाहिब का एहतराम भी करें, क्योंकि तहजीबी हम आहंगी के फरोग में मजहबी रवादारी का जज्बा एक कलीदी किरदार अदा करता है। ये जज्बा अख़वत भाईचारगी मसावात के मकसद की नशोनुमा कर सकता है। वक्त का तकाजा है कि एक अच्छे समाज की तश्कील और दौर हाजिर के इखलाकी तहजीबी और सकाफती तौर से पसमांदा माशरे को सेहतमंद बनाने के लिए हमें सूफियों की तालीमात को अमली जामा पहनाने का अहद इन अशार से करना चाहिए। हजार किताबां नाम रखा ले काजी आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें, सुनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, सुनी पड़ी है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शवाला इस देश में बना दें, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मक्ति प्रीत में है। अहले अकल को नुकसान पहुंचे ये साबित नहीं, मोहब्बत के परिस्तारों को दुख देना साबित नहीं। गाट जारस गाट पावुन छारावा, गाट जारस गाट पावुन छारावा, टाठियारस दिल दुखावुन छारावा। सोने दिलदार नू चना इश्क दे